नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना, कमलनाथ, कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बयान दिया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर तंज कसा है। बोले, कांग्रेस ने कभी मेहनत की ही नहीं, वैश्विक आपदा के वक्त ये लोग घर से नहीं निकले। दिग्विजय सिंह के राम मंदिर ट्रस्ट बंद करने की मांग पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का निशाना। कहा, जब भी हिंदुओं की आस्था की आती है बात तो दिग्विजय देते हैं ऐसे बयान। महंगाई को लेकर आंदोलन पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, कमलनाथ सरकार के दौरान महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी, अगर प्रदर्शन करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। जीका वायरस पर हुए नए शोध पर बोले सारंग। कहा, हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए नए अनुसंधान का प्रयोग करें। जीका वायरस से निपटने के लिए बैटरी के माध्यम से सफल प्रयोग हुआ है, मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण दर और नीचे आई है, ये सुखद खबर है। एम्स के साथ कई डॉक्टरों की छुट्टी पर जाने पर मंत्री सारंग ने कहा कि मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है, मैं इस विषय पर जरूर बात करूंगा। कांग्रेस पर वैक्सीन को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीन का विरोध करते थे, जनता को गुमराह करते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। मध्य प्रदेश में हमने फर्स्ट डोज के 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के केरल में वायनाड से सांसद हैं। राहुल गांधी ये बताएं कि वहां पर कितना वैक्सीनेशन हो गया है। कांग्रेस वैक्सीन पर सवाल उठाए लेकिन उससे पहले ये बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को वैक्सीन लगवाई है। पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज सोनिया गांधी से हुई मुलाकात। काशी को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, 1583 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, लंबे वक्त बाद मिला सीधी मुलाकात का मौका। अर्निंग के साथ लर्निंग जरूरी, विश्व कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को संदेश। स्किल इंडिया को बताया आत्मनिर्भर भारत का आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए सभी दिल्ली और मुंबई जाते थे उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में काशी ने देश और दुनिया में एक नई पहचान बनाई है। काशी में पिछले 7 सालों के दौरान 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नई पहचान बनाई, आज नई काशी अपनी आध्यात्मिक पहचान को विकसित करते हुए देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी है। सीएम शिवराज ने बेटियों की शादियों को लेकर के किया ट्वीट। लिखा, पिता के कर्तव्य को पूर्ण करने का संतोष है, बेटियों के सुखद भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के विकास के काम नहीं रुकेंगे। कांग्रेस की ओर से महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन पर कहा गया कि कांग्रेस के पास बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है और बोलने का कोई हक भी नहीं है। 15 माह सरकार में खुद कमलनाथ बैठे थे, वे अपने आप में झांक कर देखें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश से एक भी युवा नेता को शामिल नहीं किया गया, ऐसा पहली बार हुआ जब यहां से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी को जगह नहीं दी गई। प्रदेश संगठन ने युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अभिलाष पांडे समेत 4 नाम भेजे थे लेकिन तय पैरामीटर में एक भी फिट नहीं हुआ। तेजस्वी सूर्या ने 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 7 मंत्रियों के साथ कुल 22 पदाधिकारियों की घोषणा की। सूर्या ने अपनी टीम में बंगाल से विधायक अनूप साहा, महाराष्ट्र से विधायक राम सतपुते को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश से एक भी पदाधिकारी नहीं बनाया गया।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल एम्स के डायरेक्टर को हटाने की मंशा जाहिर की है। उनका कहना है कि कोरोना काल में उनका व्यवहार इस परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। जिले की समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एम्स के डायरेक्टर सरवन सिंह को हटाने की मांग की। कांग्रेस और बीजेपी नेता दोनों इस मसले पर एक राय। ओबीसी आरक्षण पर सियासी रण, बीजेपी ने कसी कमर, सीएम हाउस में बनी रणनीति, सरकार के महाधिवक्ता भी हुए शामिल, कांग्रेस के आरोपों पर होगा काउंटर। सरगुजा जिले के मैनपाक में भगवान गौतम बुद्ध के धर्म चक्र के बदलने की वर्षगांठ का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। तिब्बती शरणार्थियों ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर बेहतर बारिश और उपज के साथ परिवार में खुशहाली के लिए कामना की। चोखोर दुचेन पर्व के अवसर पर धार्मिक ध्वज हाथ में लेकर गाजे बाजे के साथ तिब्बतियों ने रैली निकाली, जो मुख्य मार्ग से होते हुए खेतों खलिहानों से होकर के गुजरी और बौद्ध मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भोज का आयोजन किया गया। ग्वालियर में तेज धूप निकलते ही अधिकतम तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और उसके साथ ही 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा है। न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस गिरावट के साथ ही 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 0.4 डिग्री ज्यादा रहा। मंगलवार का दिन धूप के बीच यहाँ पर बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी दो दिन अंचल में केवल गरज और चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के बाद ग्वालियर में मौसम केंद्र भी अपडेट होगा। यहां पर स्वचालित मौसम वेधशाला की स्थापना 2 महीने के अंदर होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने घोषणा की, पर्यटकों के लिए अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड लिस्ट जारी की है। ग्वालियर में स्थित तानसेन रेजिडेंसी ने ट्रेवल्स चॉइस 2021 का बेस्ट ऑफ द अवार्ड जीता है। रायपुर में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का अध्ययन करने के लिए पहुंचे राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी। अधिकारियों ने मंत्रालय में राज्य कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्रालय में कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी और विशेष सचिव ने राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों को योजना के संचालन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। रायपुर पहुंचे राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी 16 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के संचालन का अध्ययन करेंगे। पेंड्रा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान मरवाही के सामने से तहसीलदार ने चावल से भरे ट्रक को जब्त कर मरवाही थाना इलाके के सुपुर्द किया है। तहसीलदार को ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी कि दुकान के सामने उचित मूल्य की दुकान मरवाही से चावल लोड किए जा रहे हैं। ग्वालियर में वैक्सीनेशन में लापरवाही के मामले में 11 CHO स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। भीतरवार के 22 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होना था, CHO वैक्सीनेशन नहीं कर रहे थे, उसकी ऑनलाइन एंट्री। मंदसौर जिले में टीकाकरण को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिला है। जिले के पिपलिया मंडी क्षेत्र के कनघटी गांव में सैकड़ों महिलाएं पुरुष पहुंचे अस्पताल और जूते चप्पलों से लाइन बनाकर के यहां पर नंबर लगाया गया। जबलपुर में मर्सिडीज कार सस्ते दाम में दिलाने के नाम पर 1,40,00,000 रुपए की ठगी की वारदात की गई है। गाड़ी लॉकडाउन खोलने के बाद जबलपुर भेजने की डील हुई थी। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। गोरखपुर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जबलपुर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला, गुजरात से एक आरोपी पुलिस रिमांड पर जबलपुर लाया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की वॉयल पर नकली स्टिकर यह आरोपी लगाता था। रिमांड में लाया गया आरोपी से पूछताछ जारी है। उधर ग्वालियर में महाराष्ट्र जाने वाली बसों का प्रतिबंध 14 जुलाई से बढ़ाकर के अब 21 जुलाई तक किया गया। कोरोना को देखते हुए यह फैसला किया गया। परिवहन विभाग मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच अंतर्राज्यीय और पर्यटन परमिट वाली बसों के संचालन को लेकर के रिस्क लेने को तैयार नहीं है।
दरभोपाल में कोरोना के केस में लगातार कमी आई है। राजधानी का हमीदिया अस्पताल कोरोना मुक्त हो गया है। 15 महीनों के बाद अस्पताल में कोरोना का कोई मरीज नहीं है। कोविड वार्ड को सामान्य वार्ड में तब्दील करने की तैयारी है। भोपाल में वैक्सीनेशन की धीमी गति ने पकड़ी रफ्तार। राजधानी में 121 सेंटर्स पर होगा वैक्सीनेशन। कोविशील्ड के दोनों और कोवैक्सीन का लगेगा पहला डोज। छत्तीसगढ़ राज्य को 2,84,000 वैक्सीन मिलने की संभावना। राज्य को कोविशील्ड के 2,49,000 डोज, कोवैक्सीन के 35,000 डोज मिल सकते हैं। प्रदेश में अभी करीब 85,000 वैक्सीन बची हुई है। बीते दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 4-5 दिन दिल्ली के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 9,268 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 5,091 रिकवर हो चुके हैं और 1,112 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,97,058 वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 39,93,40,491 हो गया। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,43,488 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 43,80,11,958 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 41,806 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,09,00,000 के पार। देश में एक दिन में 578 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 4,12,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़कर के 97.28% हो गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.15% हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 77 नए मामले सामने आए हैं। 71 मरीज रिकवर होकर के अपने घर को लौटे हैं। मध्य प्रदेश में 11 नए मामले सामने आए और 19 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 7.91 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 252 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। 370 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 9.98 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र में 8,602 लोग संक्रमित पाए गए, 6,067 लोग ठीक हुए हैं और 170 लोगों की मौत हुई। यहां अब तक 61,68,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उधर गोवा ने पिछले 24 घंटों में 227 नए मामले और 171 रिकवरी दर्ज किए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,788 पाई गई। उत्तर प्रदेश में 83 लोग संक्रमित पाए गए, 134 लोग ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 17,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। उधर तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 2,458 नए मामले सामने आए, 3,021 रिकवरी और 55 मौतें दर्ज की गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 749 नए मामले सामने आए, 605 रिकवरी और 5 मौत दर्ज की गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 1,990 मामले सामने आए हैं, 2,537 डिस्चार्ज और 45 मौतें यहां पर दर्ज की गई। तो पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधों को 30 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है। मेट्रो रेल सप्ताह में 5 दिन 50% क्षमता के साथ चलेगी। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज सभी केस तुरंत वापस लिए जाएंगे। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों और पुलिस चीफ से कहा है कि इस धारा के तहत दर्ज केस वापस लिए ही जाएं, साथ ही आगे भी इसके तहत FIR दर्ज नहीं की जाए। 2015 से ही इस धारा को समाप्त कर दिया गया था। केंद्र ने अपने राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP को भेजे नोटिस में कहा कि अभी भी कुछ पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत केस दर्ज कर रहे हैं, जबकि आईटी कानून की इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खत्म कर दिया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साल 2024 के आम चुनाव में BJP का मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाना और किसी एक चेहरे पर आम सहमति बनाना मुश्किल काम है। इसकी वजह बताते हुए संजय राउत ने कहा कि हर क्षेत्रीय दल खुद को राजा मानता है और अपने हिसाब से चीजों को तय करने की कोशिश करता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक गिरजाघर गिराए जाने से जुड़े मामले में न्याय का आश्वासन देते हुए कहा कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण ने की है। दक्षिण दिल्ली जिला प्रशासन ने भूमि का अतिक्रमण कर उस पर बनाए गए चर्च को 12 जुलाई को छतरपुर में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान गिरा दिया था। चर्च के सदस्यों ने कार्रवाई को अवैध करार देते हुए दावा किया कि परिसर खाली कराने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। उधर पश्चिम बंगाल में राजभवन और राज्य सरकार के बीच जारी तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की है। राज्य से जुड़े अनेक विषयों पर एक घंटे तक दोनों के बीच में चर्चा हुई। भारत 119 खिलाड़ियों समेत टोक्यो ओलंपिक के लिए भेजेगा 228 सदस्यीय दल। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की कुल संख्या 228 होगी, जिसमें से 67 पुरुष खिलाड़ी और 52 महिला खिलाड़ी शामिल होंगे। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक में विजेता एथलीटों को खुद ही अपने गले में मेडल डालना होगा, साथ ही मेडल सेरेमनी के दौरान एथलीटों को हाथ मिलाने और गले मिलने पर भी रोक होगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत से 69 पुरुष और 55 महिला खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। यह लगातार दूसरा ओलंपिक होगा जिसमें भारत की ओर से 50 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय दल के लिए आधिकारिक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया। हिंदुस्तानी वे शीर्षक वाले इस गीत को युवा पॉप गायिका अनन्या बिरला ने गाया है। हिंदुस्तानी वे शीर्षक वाले इस गीत को अनुभवी भारतीय संगीतकार ए आर रहमान ने कंपोज किया है। 23 जुलाई को से टोक्यो ओलंपिक का आगाज होगा। कोरोना महामारी की वजह से उत्तराखंड सरकार की कांवड़ यात्रा को रद्द किए जाने के फैसले के बाद हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी जारी की है। मेले के दौरान हरिद्वार जनपद की सभी सीमाएं सील रहेंगी, इसके लिए कोई भी भक्त जल भरने के लिए हरिद्वार नहीं पहुंचे। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर दूसरी बार किसी राज्य टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले वे मार्च 2020 में संन्यास लेने के बाद उन्होंने उत्तराखंड को कोचिंग दी थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद ब्रेक पर चल रही टीम इंडिया के दो प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, जबकि 20 तारीख से प्रैक्टिस मैच खेला जाना है। दो खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई, दूसरा अभी भी आइसोलेशन में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अब तक दोनों खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं किया है। दो दिन के बाद तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 54 पैसे जबकि डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 98 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। उधर भुवनेश्वर में पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों ने ओडिशा बंद का आह्वान किया है। मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सीपीआईएम के सचिव ने कहा कि हमारी मांग है कि पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। फिल्म शाहरुख और संजय पहली बार एक साथ नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान और संजय इन दिनों फिल्म राखी की शूटिंग में मुंबई में लगातार व्यस्त हैं और संजय और शाहरुख की इस फिल्म का निर्माण वायकॉम 18 द्वारा किया जा रहा है। अमेरिकी रियलिटी शो कंपटीशन आइलैंड के भारतीय रूपांतरण से कंगना डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करेगी। एक रियलिटी शो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगा। करीना कपूर खान की किताब प्रेगनेंसी बाइबल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। क्रिश्चियन ग्रुप ने पुलिस में इसे लेकर के शिकायत दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र के बीड शहर में अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के अध्यक्ष आशीष शिंदे ने करीना समेत दो लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किताब के शीर्षक में बाइबल शब्द ने लोगों में असंतोष पैदा कर दिया है। चलिए इसी के साथ ही खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटे।